फॉर्मेट समझना होगा, टेलीविजन के फॉर्मेट में। अब आप सुन ही नहीं रहे, अब सुन तो लीजिए, आप सुनना नहीं चाहेंगे तो बात नहीं होगी। पेशे में आपके चैनल में कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको पूरा उत्तराखंड जानता है, उनकी भलमन साहत, उनके काम, उनके कार्य, लेकिन वो आपके चैनल में अधिकारी हैं, तो आपको भी ठीक होना पड़ेगा पहले। मैं समझा नहीं, क्या कह रहे आप? क्या कह रहे आप जुगरान साहब? मैं समझा नहीं। मैंने ये कहा कि आप हमसे अपेक्षा रखते हैं कि हम 100% सही हों, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके चैनल में कुछ लोग, एक दो भी हो सकते हैं, वो भी पूरा उत्तराखंड उनको जानता है, उत्तर प्रदेश जानता है कि उनके क्या क्रियाकलाप है, क्या वो करते हैं, उन्होंने उत्तराखंड में क्या किया, उत्तर प्रदेश में क्या किया, सरकारों ने उनपे क्या मुकदमे कायम किए। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप भलीभांति जानते होंगे, तो थोड़ा सब्र धैर्य रखिए और हम जब अच्छा आती थी उसको बात कहने का मौका दीजिए। जुगरान साहब, अब आप बोल दिए, अब मैं बोलूं कुछ, अर्ज करूं कुछ? निश्चित रूप में। अच्छा, लेकिन धैर्यपूर्वक सुनिएगा, धैर्यपूर्वक बीच में सुनेंगे, धैर्यपूर्वक सुनिएगा। आपने जिस ओर इशारा करने की कोशिश की, हमने सरकारों के मुकदमे देखे, हमने बेईमान मुख्यमंत्रियों को देखा, उनकी भ्रष्ट कार्यशैली को देखा, और हमने पत्रकारों पर मुकदमे होते देखे, इससे क्या फर्क पड़ता है? सरकारें किस ढंग से अपने खिलाफ आवाज उठाने वाले के खिलाफ काम करती है मुझको पता है। 25 जुगरान साहब ने यह तय नहीं हुआ था, यह तय नहीं हुआ था। बात सुनिए भाई, हमने आपकी बात सुनी हुजूर, आप हमारी बात नहीं सुनेंगे? आप हमारी बात नहीं सुनेंगे? ये तो ठीक नहीं ना मित्र? आप जितने असूलों के हैं, जितनी आपकी सिद्धांत है, हो सकता है कि हमारे सिद्धांत व्यक्तिगत रूप में आपसे ज्यादा मजबूत हो। अच्छी बात है, स्वागत है, स्वागत है, लेकिन लेकिन सत्ता का चरित्र मैं जानता हूं। आप 25 बरस से राजनीति में हैं, मैं 25 बरस से इसी दिल्ली में जर्नलिज्म कर रहा हूं। नहीं तो फिर मैं 1988 में पहली बार लोकसभा गया था एक पत्रकार के नाते कवर करने। 25 बरस का अनुभव है मेरे पास इस देश की राजनीति को देखने का। पहली बार जेल गया था 14 दिन के लिए जनहित में, इसलिए। और अगर मैं जनता के पक्ष का सवाल उठाऊं तो वो जुगरान साहब के व्यक्तित्व पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं, विश्व साहब पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं। आपने जुगरान साहब बहस को बहुत गलत दिशा दे दी, आपने बहस को बहुत गलत दिशा दे दी। ये बताना आवश्यक था कि ऐसा लगता है कभी कभी आपके चैनल पर आकर कि जैसे कि आपका एजेंडा पहले से सेट होता है और बुलाए गए। हमारा एक ही एजेंडा है। हाँ, वो पहले से सेट होता है, हम सिर्फ जनता के लिए बोलना चाहते हैं। वो एजेंडा होता है, होता रहेगा हमेशा, सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा, जनता चाहिए, जनता इतना है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, जनता से कब कुछ नहीं, आपके स्तर पर भी है। सिर्फ और सिर्फ मैं जनता के प्रवक्ता के तौर पर अपनी बात रखता हूं। नहीं, आजकल मीडिया का थोड़ा व्यवहार भी अटपटा सा हो गया है। नहीं, मैं कहूँ, राजनेताओं के चेहरे बहुत उजले हो रहे हैं, रोज मैं देख रहा हूँ। विधानसभा में बैठ के दार देखते हैं, विधानसभा में बैठ के नंगी तस्वीरें देखते हैं, कर्म अपकर्म धतकर्म देश को लूटते हैं, राजनीति जनता के पैसे उड़ाते हैं। आप कहें तो मैं नाम भी ले लूं, मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दूध के धुला कोई नहीं है, समझिए इस चीज को मान्यवर। हम जो कहना चाह रहे हैं जुगरान साहब, और हमने जो बात कही, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं अग्रवाल साहब, करिए साहब, कि हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता जरूर है। हम लोगों का हम ये करें, हम अपने से, हमसे शुरुआत कीजिए, हमारी संपत्ति की जांच करवा लीजिए। 30 सालों का पच्चीस सुनिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नेताओं से मैं चुनौती देता हूं कि आप मेरी और अमिताभ जी की संपत्ति की जांच कराइए, आप हमारे चरित्र की जांच कराइए, और मैं आपकी पार्टी के क्रियाकलापों को मुद्दे दिखाता हूं। मैं पहली बार टेलीविजन पर नहीं आया हूं दोस्त, मुंह छिपाने की हिम्मत हो जाएगी। हिंदुस्तान का कोई ऐसा चैनल नहीं जिस पर मैं इसी भाषा में नहीं बोला, इसी तेवर में। और आप लोगों से बड़े बड़े नेता है, राष्ट्रीय स्तर के नेता है। मैंने यही बात तब कही, अगर मेरे साथ भुवन चंद खंडूरी पैच हुए तो भी इसी अंदाज में कहा, निशंक हुआ तो भी इसी अंदाज में कहा। और आप लोगों को जो मिर्ची लग रही है, ये कहीं ना कहीं पूर्व की सरकारों के द्वारा किए गए कुकर्म और भ्रष्टाचार को उजागर करने के फलस्वरूप उपजी गई मिर्ची है ये,
और कोई बात नहीं है। आप न सुनिए ना, फिर आप न सुनिए, सुनाइए, बोलिए बोलिए। आप सुन, मैं जो कह रहा हूँ, मैंने जो कह रहा हूँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ, मैंने इसलिए इस बात को कहा कि हम आपके चैनल पर आए, हम जो फैसला सरकार ने किया, मैं या जुगरान साहब, हम दोनों सरकार में नहीं है, और आपने अगर कुछ सवाल पूछा तो हमारी जो जानकारी उसके आधार पर हमने जवाब देने की कोशिश की। जानकारी बढ़ा चाहिए ना समाचार प्लस पर, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। सरकार का ये पूरा का पूरा फैसला मेरे पास है, अगर आप सरकार की नुमाइंदगी कर रहे हैं तो मैं आपसे सारे सवाल पूछूंगा ना, मैं टेक्निकलिटीज में भी जाऊंगा ना, मैं तकनीकी पक्ष भी पूछूंगा ना। आपके पास जानकारी नहीं तो आपकी गलती है, ये जनता की या मेरी गलती नहीं है ना। लहजे में सुधार करना पड़ेगा। आप आदेश नहीं कर सकते, आप डिक्टेट नहीं कर सकते हैं। जनता तो डिक्टेट कर सकती है, जनता की फोन कर। जुगरान साहब, आपको, जुगरान साहब, आपको अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है, मुझे जनता की बात कहने की आजादी है। मैं आपकी आजादी का सम्मान करता हूं और आप मेरी आजादी का सम्मान कीजिए। चलिए जरा जनता के लिए फोन कॉल खोलते हैं। हम अपना इस बुलेटिन का वक्त बढ़ाते हैं। माननीय जुगरान साहब, माननीय बिष्ट जी, उत्तराखंड की जनता के लिए हम अपनी फोन लाइन खोलते हैं, जनता फैसला करेगी। चलिए, टोल फ्री नंबर है 1800102633। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 01204646332 और 01204646327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए, देहरादून से हमारे पास फोन आया है, किसका? जसवंत। जसवंत भैया, अपनी बात कहिए। जी, मेरा एक सवाल है इनसे, रविंदर जुगरान जी से और बिष्ट जी से। ये अरविंद केजरीवाल या फिर अन्ना हजारे की तरह काम क्यों नहीं करते हैं? क्यों पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ के जो है काम कर रहे हैं? चलिए, जवाब देता हूँ इसका। देहरादून से नीरज है, देहरादून से नीरज एक कॉल। सुनिए रविंद्र जी, हमारी 300 फोन लाइन जाम हो गई हैं। सुन लीजिए, लोगों की बात सुन लीजिए जी। अब नीरज अपनी बात कहिए, फिर इकट्ठा जवाब दे देंगे। आप हमसे फोन में बात कीजिए प्लीज। सुन पा रहे सर? जी नमस्कार, बताइए सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ, बोलिए। आपका चैनल काफी, मतलब जनता के प्रति काफी अच्छा चैनल है आपका, मतलब जनता की जो आप जो बात कर रही है वही जनता का, जो बात जनता कहना चाहती है वो आप कहते हैं। तो ये नेताओं को समझाइए ना आप। सर ये नेता है, यही भाषा, यही भाषा स्वीकार नहीं होगी। आप बुला करके इस तरीके की बात करते हैं, ये व्यवहारिक नहीं है। जी चलिए ठीक है, आप विधानसभा में कैसे कुर्सियां फेंकी जाती हैं, विधानसभा में कैसे अश्लील वीडियो देखे जाते हैं, किस तरह से जनता के पैसे लूटे जाते हैं, उसके हिसाब से हमारा चरित्र बहुत अच्छा है मान्यवर। अंकित, अंकित हमारे साथ है। अंकित अपनी बात कहिए देहरादून से। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर ये जो नेता जी बैठे हुए हैं इनको यही नहीं पता है कि एग्जाम्पल क्या होता है। सर ने कहा कि 5 साल में बच्चे का जन्म, 5 महीने में बच्चे का जन्म, तो एग्जाम्पल में तो सर ऐसा तो वो होता है, कैसे मैथ में दिया जाता है कि बच्चे की उम्र X, तो X का मीनिंग आते हैं ये नेता अपने को कहते हैं, कुछ जानते ही नहीं अपने बारे में। सर ये मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, हमारे दर्शकों की राय उनकी व्यक्तिगत राय है और समाचार प्लस की संपादकीय राय है। हाँ, संपादकीय टीम का इससे सहमत या असहमत होना आवश्यक नहीं है। त्रिवेंद्र हमारे साथ देहरादून से। त्रिवेंद्र भाई अपनी बात कहिए। हेलो जी, अपनी बात कहिए भैया। नमस्कार। हेलो जी, बोलिए बोलिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ इन नेताओं से। हेलो जी, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। ये लोग जनता द्वारा चुन के जाते हैं तो इनकी इनको भी जनता की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस हिसाब से बात करनी चाहिए ना। ठीक बात है। देहरादून से कौन है हमारे साथ, बताइए? श्याम है। श्याम भाई अपनी बात कहिए। जी देखिए, ये जो नेता बैठे हैं आपके पास, इनको ये बताइए, इनको पूरा पता है कि बीजेपी पूर्व गवर्नमेंट में इतना निशंक जो था, इतना भ्रष्टाचार हुआ उसमें, और उसके बाद ये बैठ के सफाई दे रहे हैं, तो इनसे कुछ इनसे पूछिए आखिर कौन है इस तरीके, कैसे ये जनता की जो बात आप उठा रहे हो तो सही है। जी ठीक है, ठीक है। मैं एक बार अजय फिर है हमारे साथ। अजय जी, जी अजय कहिए। अजय देहरादून से हमारे साथ हैं। मैं बड़ी देर से इन दोनों महानुभावों की बात सुन रहा हूँ, श्री श्री 108, श्री श्री 1008। कितने ये छोटे स्तर के लोगों को इस इतने अच्छे डिबेट में आप लेके आए हैं, जिनको ये भी एहसास नहीं है।
मैं बहुत देर से सुन रहा था कि इनको इनको इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि किस इश्यू पे बात हो रही है, और बड़ी शर्म आती है इन जैसे नेताओं को देख के। चलिए मैं एक बार फिर कह दूं कि हमारे दर्शकों की जो राय है वो उनकी व्यक्तिगत राय है, दर्शकों जनार्दन की राय है, उसमें हमारी सहमति असहमति की जरूरत नहीं है। जी जुगरान साहब बोलिए। आप अपनी गाली से तसल्ली नहीं तो दर्शकों से गाली दिलवाइए। नहीं नहीं बोलिए बोलिए, आपकी जनता है हुजूर, ये आपकी दर्शक नहीं, आपकी जनता है। जिस तरीके से जिसकी आप सेवा कर रहे हैं 25 वर्ष से, मैं यही निवेदन कर रहा हूं, आप हमारा पक्ष सुनिए ना जी, सुनाइए, बोलिए बोलिए बोलिए, बोलता रहे दूसरा पक्ष सुनता रहे, बोलिए। आप दोनों लोगों की एकता देख के तो अरविंद केजरीवाल साहब की याद आती है। नहीं, आप जनता को भी नहीं सुनना चाहते, आपको हमारे बोलने पे भी आपत्ति है। आप अपना अगर आज तक आपकी जितनी भी डिबेट्स हुई हैं उसमें अगर एक घंटे की डिबेट हुई है तो 45 मिनट आप दोनों ही बोले। चलिए आप बोलिए, जो बुलाने घड़ी देखते घड़ी देखते 5 मिनट आप बोलिए, 9:10 हुआ है, मैं आपको 9:15 पे टोकूंगा, बोलिए 5 मिनट कंटिन्यूअसली। जो भी कॉलर्स अभी तक जनता के रूप में हमसे बात कर रहे थे, आपसे प्रश्न कर रहे थे, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि उन्होंने निशंक जी की सरकार का हवाला दिया। मैं स्वयं निशंक जी की सरकार में सरकारी पद पर था, लेकिन किसी भी कारण से मैं खुद हटा। उस समय क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन लोग करप्शन के अगेंस्ट झंडा गाड़ के लड़ते हैं और झंडा चढ़ा के लड़ते हैं, उन लोगों को समझना चाहिए, पहचानना चाहिए। और यह राय जो जनता के बीच से आ रही है वो कोई हम दोनों के बारे में नहीं राय आ रही है, ये एक जनरल ओपिनियन जो नेताओं के प्रति हो गया है, वो किसी भी दल के नेता हो, जो नेताओं की जो क्लास है उसकी साख गिरी है, उसकी साख बहुत गिरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अंदर जो हो रहा है प्रदेश के अंदर जो हो रहा है, लेकिन जब कोई भी कॉलर किसी बात को उठा रहा है तो जरूर ये कहे कि हमारे बारे में भी बात करे, हमसे बात करे, या किसी नेताओं का मतलब किसी पर्टिकुलर मंत्री एक्स मंत्री विधायक। आप एक पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से बैठे हैं या रविंद्र जुगरान एज ए इंडिविजुअल बैठा है? आप जुगरान के लिए बात आएगी तो रविंद्र जुगरान जाओ दे। नहीं नहीं, रविंद्र भाई रविंद्र जुगरान के तौर पर नहीं आमंत्रित किया, हमने भाजपा और कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर आपको आमंत्रित किया। पार्टी की करनी का खींचा नेताओं के ऊपर फूटता है। आप हमारे मित्र हैं स्टूडियो के बाहर, हम गले लगेंगे चाय पियेंगे, लेकिन स्टूडियो के भीतर बैठ के तो पार्टी के की अच्छी और बुरी चीजों की तुलना होगी ना। व्यक्तिगत कैपेसिटी में नहीं बुलाया, नहीं, यहाँ व्यक्तिगत कैपेसिटी आप मेरे घर आइए, नहीं है, पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में आए हैं, और जो भी प्रश्न आप करेंगे उसका माकूल और पूरा जवाब देके जाएंगे। तो अगर बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ और लोग उठा रहे हैं, दैट डजंट मेक एनी सेंस कि वो रविंद्र जुगरान पे फिंगर पॉइंट कर रहे हैं, वो पार्टी पर फिंगर पॉइंट कर रहे हैं, वो सरकार पे उंगली उठा रहे हैं, और आपको इसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तरह लेना चाहिए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तरह ले रहे हैं इस चीज को, हम आपका स्वागत कर रहे हैं। अभी भी आपके पास 3 मिनट बाकी हैं, यू प्लीज कीप कंटिन्यू, 3 मिनट और आपके पास हैं अभी 5 मिनट में से। जो हमारा आपसे जो अभी संवाद हो रहा है वो यही था कि अग्रवाल साहब और अग्निहोत्री साहब जितने भी इश्यूज ला रहे हैं अच्छे इश्यूज हैं, जनता के हित के हैं, जन के हित के हैं। सुझाव हमारा यह था उसमें मुख्य रूप से कि जब आप किसी को गेस्ट के रूप में इन्वाइट करते हैं, किसी भी पॉलिटिकल या सोशल वर्कर को, तो उसके बात को भी उतनी महत्ता के साथ सुने। ठीक बात है, जो आप वहां से डिक्टेट करेंगे पॉइंट वेल टेकन तो अतुल मैं बीच में इंटरव्यून करूंगा, फिर साहब के पास जाऊंगा। यह बहस एक अच्छी दिशा में जा रही थी, इंडिविजुअल आक्षेप नहीं था। जुगरान साहब नहीं, आपका समय हो गया, नहीं ये नहीं, समय हो गया मित्र, मर्यादा का निर्वाह तो करना होगा, आपको अच्छा लगे तो भी और बुरा लगे तो भी मर्यादा का निर्वाह तो करना होगा। ये दोनों तरफ से होना चाहिए, मर्यादा का निर्वाह, इसीलिए आपको समय दिया, इसीलिए घड़ी देखकर आपको समय दिया और निर्विघ्न तौर पर आपका भाषण सुना गया। और बोलना तो और बोल लीजिए, फिर मैं बोलूंगा। भाषण देने में नहीं आया हूं यहाँ पर, आपको फिर अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए, सुधार करना चाहिए। मैं यहाँ पर डिबेट में आया हूँ, ये कोई भाषण का मंच नहीं है। आपका पक्ष सुना अब बोलूं? पक्ष कहिए, ये भाषण नहीं है। ठीक है, अब बोलूं? जुगरान साहब, अब बोलूं?
यहाँ क्रांति नहीं करिए भाई, हमको भी बोलने दीजिए भाई। क्रांति करने की आवश्यकता होगी तो हर जगह होगी। और जो जनता फोन पर क्रांति कर रही है उसको इग्नोर करेंगे आपने। दूसरे की बात, आपको महसूस हो रहा है कि हम जब लगातार बोल रहे हैं तो ऐसा ही हमको भी लगता है जब आप उधर से बोलते हैं। मैं बोलूं या नहीं बोलूं? बोलिए।